एकुंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव भंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानो कोसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर यू विद द टॉपिक डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा एज इट इज। क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर्स ऑफ एलील्स, टू ट्रेड्स विद टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिंग फॉर्म। थोड़ी मुश्किल लगी क्योंकि आपने अभी समझी नहीं है, समझेंगे तो लर्न करनी भी ईजी हो जाएगी। अभी तक आपने जितने भी क्रॉस करे हैं उसमें क्या होता था, उसमें बेसिकली एक ही करेक्टर लेते थे। हमने जैसे इसकी शादी इसके साथ करवा दी, हमने करेक्टर क्या लिया, हाइट ऑफ द प्लांट। तो करेक्टर हमने एक ही लिया था। अगर हम इसकी शादी इसके साथ करा दे तो भी करेक्टर एक ही है, हाइट ऑफ द प्लांट। यानी उनके बच्चों के ऐसे बच्चे हो जाएंगे, उनके इस तरह के हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक ही करेक्टर था। बट क्वेश्चन में अब हमने क्या करना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मीन्स हमारे पास यहाँ पे हमने दो करेक्टर्स लेने हैं, यानी राउंड पेड़ की शादी, राउंड एंड येलो पेड़ वाले की शादी रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ हो जाए। राउंड येलो की शादी रिंकल्ड ग्रीन के साथ हो जाए। इसमें देखिए एक पेयर ऑफ एलील क्या है, ये दूसरा पेयर ऑफ एलील। अकेले इसको क्या कहते हैं, अलील 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 अलील। ये दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, जीन। यानी कितने पेयर ऑफ अलील है, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर्स ऑफ अलील, टू स्लैश टू ट्रेड्स विद टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिंग फॉर्म। यानी ये दोनों पेयर्स है, ये अल्टरनेटिंग है। मींस ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप ऑफ द सीड दैट इज राउंड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड। टू ट्रेड्स, ट्रेड वन नंबर वन क्या है, शेप ऑफ द सीड। दूसरा ट्रेड क्या है, कलर ऑफ द सीड। टू ट्रेड्स विद ऑल्टरनेटिंग फॉर्म, टू ट्रेड्स विद ऑल्टरनेटिंग फॉर्म। यानी ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। अगर मेरे पास राउंड की शादी रिंकल्ड से हो जाती, मीन्स में इसमें एक पेयर ऑफ अलील है, इसमें भी एक पेयर ऑफ अलील है। मीन्स हमारे पास इसकी शादी इसके साथ हुई और इसमें हमने कितने पेयर ऑफ अलील के बारे में स्टडी करना है, दो। एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा। क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर्स ऑफ अलील, टू ट्रेड्स विद टू पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग फॉर्म। तो अब इसका क्रॉस होगा कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। मीन्स अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाना, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होता था। अगर सपोज राउंड की शादी रिंकल्ड के साथ हो जाए तो बहुत ईजी होता था, आप ऐसे कर लेते थे। मीन्स एक क्रॉस बन जाता था, क्रॉस हो गया। पर अब थोड़ा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो ध्यान से देखिएगा, पहले पेरेंट जनरेशन क्या है, पेरेंट जनरेशन है हमारे पास राउंड एंड येलो की शादी हमने रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ करवाई। राउंड हमारा डोमिनेंट रेट है, येलो हमारा डोमिनेंट रेट है। राउंड क्या हो गया, शेप ऑफ द सीड, येलो क्या हो गया, कलर ऑफ द सीड। और रिसेसिव ट्रेट इसी के स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। राउंड डोमिनेंट हो गया, रिंकल्ड रिसेसिव है, रिंकल्ड को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा। येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, ग्रीन को यानी स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करा। तो आपको पता, पहले ये पेरेंट जनरेशन है, ये पेरेंट जनरेशन है। आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, यानी जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स बनने के दौरान ये सेपरेट कर जाते हैं। मींस गैमीट में ये दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही आएगा। वो कौन सा आ गया, जैसे इसमें कैपिटल आर एक आ गया ऐसे। यानी क्या हुआ, मींस जब ये सेपरेट कर जाएंगे, ये सेपरेट करके क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये दोनों में से सेपरेट करेंगे तो वाई आ गया, ये दोनों में से ये सेपरेट कर गया जब गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स की फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों सेपरेट करके ये हो गया, ये दोनों सेपरेट करके ये आ गया, अब ये दोनों सेपरेट करके ये हो गया। मींस इनके जितने भी बच्चे होंगे वो पता कैसे होंगे, एफ वन जनरेशन के जितने भी बच्चे होंगे, ये पेरेंट जनरेशन थी और इनकी शादी हो जाए तो इनकी जनरेशन के सारे बच्चे ऐसे होंगे, सारे बच्चे इस तरह के होंगे। यानी जब इसका गैमीट बनेगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो मींस ये आर आ गया एक,
यानी एक ही आता है, गैमीट में दोनों में से एक ही आएगा, गैमीट में दोनों में से एक ही आएगा, गैमीट में दोनों में से एक आएगा, गैमीट में दोनों में से ही आएगा। वैसे इंसानों में या एनिमल्स में गैमीट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स एंड एग्स, और आपको फ्लावर्स में गैमीट्स पते हैं क्या होते हैं, एग वो जो सब, और हमारे पास मेल के, मेल का क्या होता है वो किस में होता है, पोलन ग्रेन्स के ऊपर ये जो सा होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमीट्स होते हैं, जो उनसे फ्लावर्स में पोलन ग्रेन मेल गैमीट्स होते हैं, और अंदर जो सा ये एंथर स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी में जो सा एग प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है हमारे पास फीमेल गैमीट। यानी एनिमल्स में स्पर्म्स एग्स, इसमें क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स, और क्या होते हैं हमारे पास एग्स। यानी मेल गैमीट्स क्या होते हैं पेड़ों में, पोलन ग्रेन्स, फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं एग्स। यानी जो उनसे गैमीट्स बनते हैं पेड़ों के, यानी यानी गैमीट्स चाहे एनिमल्स में है चाहे प्लांट्स में है, गैमीट्स की फॉर्मेशन के दौरान यानी एक ही चीज आती है, यानी दोनों में से एक ही चीज आएगी, गैमीट्स में दोनों में से एक चीज आएगी, गैमीट में दोनों में से एक चीज आएगी। अब यानी ये एफ वन जनरेशन के सारे मेंबर ऐसे हो जाएंगे, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ, एफ वन जनरेशन सारी ऐसे होगी। अब F2 जनरेशन में क्या करना है, हमने इसकी शादी इसी के जैसे लड़की के साथ करवा दी, सपोज ए बॉय, इसी की शादी हमने इसी के जैसे लड़की के साथ करा दी, तो अब इसकी शादी इसी के जैसे लड़के के साथ हो, यानी पहले सेपरेट कर जाएंगे, मींस अब देखिएगा जरा ध्यान से देखना, ये सेपरेट कर गया, यानी ये इन दोनों में से ये एक चीज आ गई, अब हो सकता है इन दोनों में से ये चीज आ जाए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ से। यानी आपको पता है जब इसके गैमीट्स बनेंगे, इसके गैमीट्स में से दोनों में से एक चीज आएगी, सपोज इन दोनों में से एक आर आ गया और इन दोनों में से ये आ गया, अब हो सकता है कि इन दोनों में से स्मॉल आर आ जाए और इन दोनों में से कैपिटल वाई आ जाए, इसके गैमीट्स, अभी हम इसके गैमीट्स बना रहे हैं, फिर हो सकता है इन दोनों में से स्मॉल आर आ जाए और इन दोनों में से स्मॉल वाई आ जाए। देखिए जरा ध्यान से समझेगा, यानी ये जब गैमीट्स बने थे तो दोनों अगर सेपरेट करें हो सकता है कैपिटल आर आ जाए, हो सकता है ये वाला कैपिटल आर आ जाए, बात तो एक ही हो गई थी, दोनों सेपरेट करें हो सकता है ये वाला कैपिटल वाई आ जाए, हो सकता है ये वाला, तो भी बात सेम ही थी, तो इसमें ज्यादा झमेला नहीं था, इसमें थोड़ा झमेला होगा, हो सकता है ये दोनों सेपरेट करें कैपिटल आ जाए और यहाँ पे दोनों सेपरेट करें कैपिटल वाई आ जाए, और क्या हो सकता है इसके गैमीट्स में कि ये दोनों सेपरेट करें कैपिटल आर आ जाए, ये दोनों सेपरेट करें तो स्मॉल वाई आ जाए, हो सकता है ये दोनों सेपरेट करें स्मॉल आर आ जाए, हो सकता है ये दोनों सेपरेट करके कैपिटल वाई आ जाए, हो सकता है ये दोनों सेपरेट करके स्मॉल वाई आ जाए, और ये दोनों सेपरेट करके क्या आ जाए स्मॉल वाई आ जाए, हो सकता है ऐसे। इसमें क्या था, ये दोनों सेपरेट करें हो सकता है ये कैपिटल आर आ जाए, हो सकता है ये वाला कैपिटल आ जाए, बात तो सेम ही है, हो सकता है ये वाला कैपिटल वाई आ जाए, हो सकता है ये वाला आ जाए, तो मीन्स ये वाला F1 जनरेशन बनानी बहुत सौखी थी, इनके जितने भी बच्चे होंगे वो इस तरह की होगी। अब इसकी शादी इसी की जैसे लड़की के साथ हुई तो हो सकता है इसके गैमीट्स में क्या हो जाए, ये वाला आर, ये दोनों में से ये अलग हो के ये वाले दोनों में से ये वाला अलग हो जाए, और यानी ये दोनों जुड़ जाए, फिर हो सकता है ये दोनों में से, जब ये दोनों अलग हुए, हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि गैमीट्स में एक ही अलील आता है, यानी ये अलील नंबर मीन्स अलील 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 अलील, सो ये एक पेयर ऑफ अलील है, हर पेयर में से एक ही अलील आता है, हर पेयर में से एक ही अलील आया, हो सकता है ये वाला कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ आ जाए, फिर ये वाला कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ, ये वाला स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ, ये वाला स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ, इसके गैमीट्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं, या ऐसे इसी के गैमीट्स, या फिर ऐसे इसी के गैमीट्स, या फिर ऐसा हो सकता है इसी का गैमीट, या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर अब हमने क्या करना है, इसके गैमीट्स भी जब बनेंगे तो वो भी ऐसे ही कुछ होंगे, यानी अब हम इसके गैमीट्स बनाने वाले हैं, इसके गैमीट्स भी कुछ इस तरह के ही होंगे, सेम ही होंगे इसके गैमीट्स भी, इसके गैमीट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इन दोनों की शादी हो जाए तो इनके बच्चे किस तरह के होंगे वो जरा ध्यान से देखिएगा। सो अब इन दोनों की शादी हो जाए तो इनके बच्चों की प्रोबेबिलिटीज बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, मीन्स ये जुड़ सकते हैं, ये वाला गैमीट इसका, ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ गया, ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ सकता है, फिर ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ गया, फिर ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ जाए, फिर ये वाला गैमीट इसके साथ भी जुड़ सकता है, ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ सकता है, फिर ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ सकता है,
फिर ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ सकता है, फिर ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ सकता है, फिर ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ सकता है, फिर ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ सकता है, फिर ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ सकता है, ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ गया, ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ सकता है, ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ जाए, ये वाला गैमीट इसके साथ जुड़ सकता है। तो अब देखिएगा कि वेरिएशंस कितनी हो सकती हैं इनके बच्चों में। मींस क्या हो सकता है, ये राउंड येलो हो गया, मींस राउंड येलो एक, ये राउंड येलो, ये भी क्या होगा राउंड येलो, क्योंकि डोमिनेंट ही अपने आप को ये राउंड तो यहाँ पे चलो डोमिनेंट है ही, इसमें येलो ग्रीन में से येलो डोमिनेंट अपने आप को येलो ही रिप्रेजेंट कर पाएगा, कैपिटल वाला ही रिप्रेजेंट कर पाता है। स्मॉल वाला क्या वाई क्या है ग्रीन, और ये वाला स्मॉल आर क्या है रिंकल्ड। सो याद रखिएगा ये कैपिटल आर राउंड आपको बताया हुआ है, स्मॉल आर रिंकल्ड, कैपिटल वाई येलो, स्मॉल वाई ग्रीन। तो हमारे पास ये राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, पहली पूरी रो किसकी है राउंड येलो वाली, ठीक है जी, ये राउंड येलो, ये देखिए ये भी क्या हुआ राउंड येलो, पर ये राउंड एंड ग्रीन हुआ, ये भी राउंड येलो हुआ, ये क्या हो गया राउंड एंड ग्रीन, ये भी राउंड ग्रीन हो गया, ये भी राउंड येलो, जो सर्कल कर रहे हैं राउंड येलो, ये भी क्या हो गया हमारे पास राउंड येलो, ये क्या हो गया रिंकल्ड ग्रीन, मींस ये वाला रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये स्मॉल आर रिंकल्ड को है ना, ये रिंकल्ड एंड येलो है, सॉरी रिंकल्ड येलो, कैपिटल वाई येलो है, रिंकल्ड आर स्मॉल आर रिप्रेजेंट करेगा अपने आपको, दोनों स्मॉल आर है तो रिंकल्ड होगा, एक कैपिटल वाई है तो ये येलो ही होगा, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ये क्या हो गया राउंड येलो, सर्कल वाले सारे राउंड येलो, ये क्या हो गया मेरे पास राउंड एंड ग्रीन, राउंड ग्रीन वाला ये था, ये था राउंड ग्रीन, ये भी राउंड ग्रीन हो गया, राउंड एंड ग्रीन, और ये देखिए हमारे पास क्या हो गया रिंकल्ड एंड येलो, ये क्या हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये सबसे अलग है, जरा ध्यान से देखिएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, एक ही है देखो रिंकल्ड ग्रीन। अब जरा ध्यान से देखिएगा हमारे पास जो उनसे बच्चे हुए, ये सर्कल वाले सारे क्या थे राउंड येलो, राउंड एंड येलो, कितने थे राउंड येलो काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, राउंड येलो नौ थे। फिर उसके बाद ये टिक वाले कौन से थे राउंड एंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, सो राउंड ग्रीन देखो कितने हैं राउंड एंड ग्रीन तीन है। फिर उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा रिंकल्ड एंड येलो वो कितने हैं, ये देखो ये अंडरलाइन करा वो क्या है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो कितने आए रिंकल्ड येलो, एक दो तीन। फिर लास्ट वाला क्या है ये रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन देखो कितने आए एक, रिंकल्ड एंड ग्रीन एक आया। ये फिनोटिपिक रेशो हो गई, फिनोटिपिक रेशो क्या हो गई 9:3:3:1, ये फिनोटिपिक रेशो हो गई, फिनोटिपिक मींस करेक्ट, मींस ट्रेट के हिसाब से वाली, मींस ये जो सी एक्सप्रेसिबल फीचर के हिसाब वाली, ये एक्सप्रेसिबल फीचर क्या राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, एक्सप्रेसिबल फीचर्स की रेशो को फिनोटिपिक रेशो कहते हैं, ये एक्सप्रेसिबल फीचर्स की रेशो हो गई, ये फिनोटिपिक रेशो हो गई। अब इसी से मैं इसी टॉपिक के साथ आपको कवर करूंगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हमारा तीसरा लॉ है, मेंडल का तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको जरा ध्यान से समझिएगा, इसी के साथ कवर होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, देखिए पेरेंट जनरेशन ये हमारी कौन सी थी F1 जनरेशन, और ये जो इनसे बच्चे हैं ये कौन सी जनरेशन की है F2 जनरेशन। अब देखिए पेरेंट जनरेशन में क्या तुम्हारे को कोई रिंकल्ड या येलो नजर आ रहा, देखिए ये क्या राउंड
येलो था, ये क्या था, रिंकल्ड ग्रीन था, और ये हमारे पास क्या हुआ, F1 जनरेशन में इनके सारे बच्चे क्या हुए, राउंड येलो। अब देखिए, राउंड येलो के बच्चे रिंकल्ड ग्रीन के साथ शादी हुई, सारे राउंड येलो पैदा हुए। अब अगली जनरेशन में भी राउंड येलो की शादी राउंड येलो के साथ हो गई। हम सोचते हैं कि चलो, हम कभी ये सोच सकते हैं कि इनके बच्चे की रिंकल्ड एंड येलो होगा, मीन्स राउंड येलो की शादी, राउंड येलो की शादी। अगर नॉर्मली आप सुनो, सोचो, राउंड येलो की शादी राउंड येलो के साथ हो जाए, क्या आपका दिमाग कभी कह सकता है कि इनके बच्चे रिंकल्ड ग्रीन पैदा हो, सॉरी, या फिर इनका क्या दिमाग आपको कह सकता है कि इनके कभी बच्चे राउंड ग्रीन पैदा होंगे, राउंड येलो की शादी राउंड येलो से हो जाए? कभी दिमाग में आ सकता है कि कभी इनका बच्चा कोई राउंड ग्रीन भी हो सकता है? या कभी हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि इनका बच्चा कभी रिंकल्ड येलो भी हो सकता है? दिमाग में आ ही नहीं रहा। राउंड येलो का शादी राउंड येलो के साथ हुई, बच्चे तो राउंड येलो ही होने चाहिए, पर देखो, इनके बच्चे राउंड ग्रीन भी हो सकते हैं, इनके बच्चे रिंकल्ड येलो भी हो सकते हैं। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, इफ वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर जीन एट वन टाइम, द डिस्ट्रीब्यूशन इन गैमीट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। हमने एक बार ही जरा ध्यान से देखिएगा, द टू कॉम्बिनेशन रिंकल्ड एंड येलो, अगर मैं अभी लिखता हूँ, डेफिनेशन लिखूंगा, द टू न्यू कॉम्बिनेशन अपियर इन F2 जनरेशन। इस F2 जनरेशन में कौन से दो नए कॉम्बिनेशन आई, राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो। टू न्यू कॉम्बिनेशन अपियर इन F2 जनरेशन, जो कि ना पेरेंट जनरेशन में थे ना ये F1 जनरेशन में थे, किसी भी जनरेशन में राउंड ग्रीन नहीं थे हमारे पास। टू न्यू कॉम्बिनेशन अपियर इन F2 जनरेशन विच आर रिंकल्ड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो राउंड ग्रीन। दीज कॉम्बिनेशन आर नॉट प्रेजेंट इन पेरेंट्स, दीज कॉम्बिनेशन वर नॉट प्रेजेंट इन पेरेंट्स, दीज आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स, इनको रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट इफ वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर जीन्स एट वन टाइम, द डिस्ट्रीब्यूशन इन गेमीट्स और प्रोजेनी ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। मीन्स ये जो सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स एट अ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पिछली जनरेशन। ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि यहाँ पे जो सी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ये जीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की डिपेंडेंस पिछली जनरेशन पे नहीं है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। मैंने ये लिखना कैसे, द टू न्यू कॉम्बिनेशन अपियर इन F2 जनरेशन विद दैट आर राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, दीज कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स, दे वर नॉट प्रेजेंट इन देयर पेरेंट जनरेशन, अपनी पेरेंट जनरेशन में नहीं प्रेजेंट थे। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स इफ वी कंसिडर इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर जीन्स, इफ वी कंसिडर इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर जीन्स, द डिस्ट्रीब्यूशन इन गेमीट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट जनरेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट जनरेशन, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है।